क्यों करना है साध्वी जी? नाम ही नामी की पहचान करा देता है, नाम ही पर्दा हटा के राम से मिला देता है, और नाम में ही वो सामर्थ्य है जो आपको परमात्मा से मिला देता है। माया का बाजार है ये जग, कदम कदम पर धोखा है, करो कमाई नाम की यही सुनहरी मौका है। आप पर परमात्मा की कृपा है। और नाम जपने से क्या होता है, एक कहानी सुना दूं छोटी सी। नाम की महिमा, हमने हरि नाम के साथ जो कथा का शुभारंभ किया है, तो इस नाम जप की क्या महिमा है, ये नाम क्यों लेना चाहिए भगवान का, एक कहानी सुना दूं। सुनोगे? ध्यान से सुनना। ये कहानी वैसे तो एक हिरनी की है जो गर्भवती थी, लेकिन ये कहानियां इसीलिए सुनाई जाती हैं कि उनसे हमें कुछ सीख मिले। अब जीवन चाहे पशु का मिला हो चाहे मनुष्य का मिला हो, परेशानियां सबके जीवन में आती हैं। हाथ उठाना जिस जिसके जीवन में परेशानियां। ये तो निश्चिंत होके बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपकी परेशानियां ही है। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, चाहे राम कृष्ण जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। तो पहले तो राधे नाम और कृष्ण नाम इसलिए जाप करके हम चलते हैं क्योंकि कथा जिसकी है उसको बुला तो ले। और दूसरी नाम की क्या महिमा है, बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। अगर तुम आज की कथा ध्यान से सुनोगे तो सातों दिन की कथा समझ आ जाएगी। एक हिरनी थी, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, क्या बोलना पड़ेगा? तुम छोटे थे या तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम उनसे कहते हो ना कहानी सुना दो, तो बिना हुंकार के कहानी, तो कथा सुननी है तो बस आदत डाल लो, क्या बोलना पड़ेगा? तो कहानी कुछ ऐसी है, ये कथा, ये भागवत जिसका आयोजन आप समस्त ग्राम वासियों ने कितने दिनों से लगे हुए हो। आप क्या करेंगे ये कथा, ये कथा क्यों करवाते, ये कथा कहाँ आती है, इस कथा का आयोजन क्यों किया जाता है, क्यों महत्व है? एक हिरनी थी और वो गर्भवती थी। प्रसव पीड़ा जब उसे हुई तो वो स्थान देखने लगी जंगल में कि कहाँ जाकर मैं अपने बच्चे को जन्म दूं। उसे एक स्थान अनुचित लगा, नदी के किनारे वो पहुंच गई और उसके मन ने, उसके आत्मा ने मान लिया कि ये स्थान मेरे और मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित है। और जैसे ही प्रसव पीड़ा उसे हुई, उसे लगा कि अब मैं बच्चे को जन्म देने वाले हैं। प्रसव पीड़ा, माताएं बैठी हैं, 21 हड्डियों के टूटने से जो दर्द होता है प्रसव पीड़ा के समय होता है, वो आप जान सकते। जैसे ही प्रसव पीड़ा शुरू हुई तभी एक शिकारी आ गया। देखो परेशानी आती है तब कैसे आती है, और भगवान का नाम जो आप ये राधे राधे बोलोगे क्या करेगा। ये हिरनी की कहानी हम सब की कहानी है। एक शिकारी आ गया और उसने सोचा आज तो शिकार बड़ा अच्छा मिल गया, आज तो बस। और जैसे ही हिरनी ने देखा कि बस ये शिकारी तो तुझे मार डालेगा, प्रसव पीड़ा हो रही थी लेकिन वो दूसरी तरफ भागी तो उस तरफ शेर आ गया। बोलना पड़ेगा। अब वो तीसरी तरफ देखती है, पीछे नदी थी, भाग नहीं सकती थी, आगे शिकारी खड़ा है, उधर शेर आ गया है। भयंकर गर्मी थी और गर्मी इतनी थी कि गर्मी के
सूर्य के प्रताप से एक तरफ जंगल में आग लग गई। बोलना पड़ेगा महाराज। अब सोचिए आप, एक तरफ पीछे नदी है, इधर शिकारी है, इधर शेर है और इधर आग लगे है। करे तो रोवे हिरणी, हे मालिक कैसे मुसीबत आई। एक ओर ने कुआ दिखे और एक ओर ने कुछ तो बोल दिया करो, एक ओर ने खाए। अब सोचिए आप कहां जाए, क्या करे। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में भी चारों तरफ से जो मुसीबतें आ जाती हैं, ऐसा कोई जीवन नहीं जिसके जीवन में मुसीबतें नहीं आती। अब आप बताइए हिरने क्या करे, क्या करे, बैठ जाए वही रोने लग जाए। लेकिन जब हिरने ने देखा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं, तो भगवान भरोसे हाथ खड़े कर दिए। तू जाने थरो काम जा, मरना तो है, इधर जाऊंगी तो जल में डूबूंगी, प्रसव पीड़ा हो रही, इधर शिकारी मारेगा, इधर शेर खाएगा, इधर आग लगी है, मरना ही है। तो हिरनी कहती है मौत निश्चित है, तो क्यों ना मैं परमात्मा का नाम ले लू, किसका नाम ले लू, किसका नाम ले लू, क्या लगता है परमात्मा तुम्हारा। हिरनी ने सोचा कोई उपाय नहीं, तो कहती है मरना तो है, क्यों ना परमात्मा का नाम ले लो। और जब उसने पूरा भरोसा परमात्मा पर किया, पूरा भरोसा परमात्मा पर किया कि हे परमात्मा अब तू जाने और तेरा काम जाने, मरना तो है ही लेकिन बस तू मिल जाना, तू जो भी करता है ठीक करता है, जैसे तेरी मर्जी। ये भाव जैसे ही हिरनी के भाव में आए और आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंचती है, भक्तों आत्मा से पुकारा तो बिजली कड़की है, बरसात हो गई है। और बिजली जैसे ही कड़की, एकदम से शिकारी ने बाण छोड़ा, कड़कने से उसका हाथ छूट गया और वो तीर हिरनी की बजाय शेर को लग गया। बोलना पड़ेगा। और बिजली कड़कती है तो बरसात भी होती है, बरसात हो गई, जंगल की आग शांत हो गई, इधर भी रास्ता उधर भी रास्ता, और रखने बच्चे को जन्म दे दिया। बोलना पड़ेगा। इस नाम की महिमा, इस राधे राधे बोलने की महिमा क्या है, इस कहानी से हमने आपको बता दिया। जिस जिस को समझ आया, किस किस को समझ आया, बस समझ आ गया। अब समझ आ गया तो इसको नहीं छोड़ना है, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते फोन पे बात करो सगे संबंधियों से, तो क्या बोलना होगा, जोर से बोलना होगा। आइए, हमने ना रो के सीखा है ना हंस के सीखा है, जो भी सीखा अपने गुरु की कृपा से सीखा है। माँ बाप भी आपके गुरु हैं, जिसके जीवन में गुरु है उसी का जीवन शुरू है। तो आइए उन्हें गुरुओं का आश्रय लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए चलते हैं परम मंगलमय भगवत स्वरूप इस कथा का गुणगान करने के लिए। पैसे ना हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु